고려일전. बहुत मेहरबानी, बहुत करम आपका, बहुत मोतबर शोराए कराम जो पूरी उर्दू दुनिया में, हिंदुस्तानी नहीं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, खलीज, जहाँ जहाँ भी उर्दू की महफिलें सजती है उर्दू ज़बान और तहजीब के नाम पे, वहाँ वहाँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, फरहत एहसास साहब और मंजर भोपाली साहब मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं, अदब के नुमाइंदे हुआ करते हैं। आज ये चारों हजरात हमारे डाइस पर इंदौर वालों के रूबरू हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप इनका शुक्रिया के तौर पर तालियाँ बजा दीजिए कि उन्होंने अपना वक्त इस महफिल को दिया। मैं चाहता हूं कि इस वक्त जनाब मंजर भोपाली से उनका कलाम सुना जाए जो सारी दुनिया में उर्दू के लिए मान जाने जाते हैं और मोहब्बतों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जनाब मंजर भोपाली। हजरात, एक अरसे बाद इंदौर हाजिरी हुई है। एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूं। ढाई साल पहले एक ख्वाब देखा था, बहुत खुश थे, बहुत खुश हैं। उसी वक्त कहा था हमारे पीएम साहब ने कि मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। आपने देखा कि गुलाबी रंग का नतीजा अब आपके सामने आ रहा क्या है। गुलाबी क्रांति का उन्होंने उस ज़माने में ज़िक्र किया था जो अब वो आपको ताबीर की शक्ल में नज़र आ रही है। एक मतला और दो शेर आपके इर्शाद। वो तो पीतल था, उसे किस तरह सोना करते। वो तो पीतल था, उसे किस तरह सोना करते। इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते। इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते। अब है शर्मिंदा के क्यों खाक हुए तेरे लिए। वाह वाह वाह। अब है शर्मिंदा के क्यों खाक हुए तेरे लिए। पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते। पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते। वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे। वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। एक मतलब दो दो तीन शेर और हैं, फिर एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा, मुलाजा फरमाइएगा। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। इतनी खूबी से गले काट रहा है कोई। इतनी खूबी से गले काट रहा है कोई। देखने वालों को चतुराई नजर आती है। देखने वालों को चतुराई नजर आती है। तुम कनारे पे हो,
क्या जानो समंदर क्या है, तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। हज़ाते गज़ल के दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। देखिए बहुत थका हुआ हूँ मैं, आज ही हमारे पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं, सब अपने अपने सूबे के लोगों पर फ़ख्र करते हैं, किसी के पास लता मंगेशकर है, किसी के पास सचिन तेंदुलकर है, फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन हैं, यूपी में वसीम बरेलवी हैं। जब मुझसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नाम बताइए जिस पर आप फ़ख्र कर सकें, तो मैंने कहा हमारे पास राहत इंदौरी है जो दुनिया का अलबला आदमी है। वाह वाह वाह, तो ये हमारे अनमोल और अजीम शायर हैं, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के वाहिद शायर हैं ये, जिन पे पूरे प्रदेश को नहीं पूरे मुल्क को फ़ख्र है, और ये क्रेडिट आपको जाता है कि राहत इंदौरी को राहत इंदौरी आप ही लोगों ने बनाया है। वाह, तो मुबारकबाद आपको कि हमारे पास जब कोई बात नहीं रहती, वो कहते हैं हमारे पास ताजमहल है तो हम कहते हैं हमारे पास राहत इंदौरी है, वो कहते हैं हमारे पास लाल किला है तो हम कहते हैं हमारे पास राहत इंदौरी है, तो जवाब ही नहीं है। राहत इंदौरी चलते फिरते सारे लोगों को, दुनिया में करोड़ों इनके फ़ैन हैं, हम तो बहुत साथ रहे हैं राहत भाई के, हम छोटे भाई की तरह उनकी खिदमत करते रहे हैं, अमरीका इंग्लैंड जहाँ से गुजर जाते हैं राहत इंदौरी अपना खुद रास्ता बना लेते हैं। ये बड़े शायर हैं इनका, और भोपाल में तो आपके आपसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इनकी इज्जत और एहतराम करते हैं भोपाल के लोग। तो एक शेर एक गज़ल दो तीन शेर की पेश करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। जी अरे कोहिनूर भी क्या चीज़, ये क्या चीज़ का नाम ले दिया आपने, कोहिनूर की चमक भी इनके सामने फीकी है जनाब। कोहिनूर एक शोकेस में रखा हुआ हीरा है, ये जो इनका एक लफ्ज़ हीरा है कोहिनूर के बराबर है। और ये चंद शेर पेश कर रहा हूँ समातन भाई का। अंग्रेज़ों से मंजर भाई से पूछा था अंग्रेज़ों ने कि आपको कोहिनूर चाहिए या राहत इंदौरी, तो मंजर भाई ने कहा था राहत इंदौरी। समातन भाई का, जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। क्या कहने, देखिए 1000 का नोट बंद कर दें, 500 का नोट बंद कर दें, 10 रुपये का नोट बंद कर दें, मगर हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम शायर लोग हैं, जिस दरवाजे को खटखटाएंगे वहाँ खाना मिल जाएगा हमें। तो ये मतला उन्हीं की नज़र है जिन लोगों ने नोटबंदी की है। समाप्त में ये इरशाद मंजर भाई, जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें,
तुम्हारे पास कोई रास्ता अरे क्या कहने तो है ही नहीं बाबा, तुम्हारे पास बाबा। कोई रास्ता तो है ही नहीं। बचाने आएंगी रहमत की बारिशें कैसे, बचाने आएंगी रहमत की बारिशें कैसे, झुलसते फूलों के लब पर दुआ तो है ही नहीं। झुलसते फूलों के लब पर दुआ तो है ही नहीं। और जात ये शेर देखिएगा, शायद किस लायक हो। वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों ना फख्र करें, वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों ना फख्र करें, अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। और आखिरी शेर समाप्त मैं, बनेगा दोस्तों दुनिया में रास्ता कैसे, बनेगा दोस्तों दरिया में रास्ता कैसे, बनेगा दोस्तों दरिया में रास्ता कैसे, हमारे पास हमारा असा तो है ही नहीं। हमारे पास हमारा असा तो है ही नहीं। हमारे पास हमारा असा तो है ही नहीं। मैं मानता हूँ के ज़ैनब की तुम कनीज़ें हो, मैं मानता हूँ के ज़ैनब की तुम कनीज़ें हो, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं। मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं। मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं। आखिर में हज़रात एक दो शेर आपकी खिदमत में बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ कि मेरी बहुत थका हुआ हूँ, मौसम भी गड़बड़ है और सेहत भी गड़बड़ है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप सब पाकिस्तान चले जाएं, 15 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को कहीं भेजने की हिम्मत ही नहीं है किसी में। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हज़ारों साल से जब मच्छर को नहीं मारा गया तो मुसलमानों को कैसे भगाया जाएगा। मच्छर हर घर में रहता है, दुनिया भर की कीटनाशक उस पर डाली जाती है, मगर मच्छर हमारा साथी है, वो हमें काटता भी है और हमें बीमार भी करता है, फिर भी हम उसे नहीं कुछ बिगाड़ सकते, तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। मेरा मानना यह है कि इस मुल्क के लिए जितनी दुआएं हम मुसलमान करते हैं दूसरी कोई कौम नहीं करती। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज में 5ों वक्त मुल्क की सलामती और उसकी तरक्की की दुआएं करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं आप लोग? अब मैं एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इन दौर में शायद किसी लायक हो, मतला भराए मतला समात फरमा लीजिएगा, फिर वो शेर पेश कर रहा हूँ। किसी चेहरे से तासुब का ना चेहरा निकले,
किसी चेहरे से तासुब का न चेहरा निकले, ये दुआ है कि हर एक दिल से ये कांटा निकले, ये दुआ है कि हर एक दिल से ये कांटा निकले। और शेर धमात्मा हजरात, ये जमी भी मेरे सजदों से हुई है रोशन। क्या कहने, ये जमी भी मेरे सजदों से हुई है रोशन, दिल अगर चीर के देखो तो तिरंगा निकले, दिल अगर चीर। बाबा हजरात, एक अबरार भाई का हुक्म है, फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा गीत पेश कर देता हूँ समातन मई का। इरशाद में ये गीत समातन मई, समातन मई का। मेरा महाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। वाह। मेरा महाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है, यही बहुत है। मेरा महाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। चराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। चराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं है, मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं है। जो मेरे रब ने मुझे दिया है यही बहुत है, जो मेरे रब ने मुझे दिया है यही बहुत है। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक, वाह 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 वाह। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक, हमारे हिस्से में करबला है यही बहुत है। हमारे हिस्से में करबला है यही बहुत है। आजाद, मुझे एक गीत के लिए हुक्म है, उसके दो तीन बंद पेश कर देता हूँ। आवाज़ बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, आप समझ रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, साथ आप दे दीजिएगा। देखिए, ये गीत कौमी यकजहती का गीत है और आप तक पहुँचा रहा हूँ समातन मई का। भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, भारत माता के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। प्यार भरा है अपना सीना और त्रिशूल तुम्हारे हैं, रंग बिरंगे फूल हमारे और बबूल तुम्हारे हैं, और बबूल तुम्हारे हैं। नफरत की जो शिक्षा देते वो स्कूल तुम्हारे हैं,
देश बेच कर धन अर्जित हो, बस ये उसूल तुम्हारे हैं, बस ये उसूल तुम्हारे हैं। आने वाली नस्लों अभी ये तुम पे जिम्मेदारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। और ये बंदे केंद्रा, एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के अश्लोक हमारे और कुरान हमारा था, और कुरान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था, वो हिंदुस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो, ये आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। गीत का आखिरी बंद जिसके लिए मैंने गीत कहा है, मुलादा फरमाइएगा। मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, सती बना दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, ये घनश्याम नहीं कहता। मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, सती बना दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, ये घनश्याम नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद की दीवारें तोड़ो कोई राम नहीं कहता, ये तो राम नहीं कहता। मुल्ला पंडित और नेता की यारो ये मकारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। चांद से फूल से या मेरी जबां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, ज़िंदगी क्या है मोहब्बत की ज़बान से सुनिए। दोस्तों अभी आप मोहब्बतों की ज़बान से मोहब्बतों की गुफ्तगू और मोहब्बत की बात सुन रहे थे।